जय हिंद दोस्तों, हमारे पास सैमसंग 1200 मॉडल फोन है जिसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है और मैं इसकी जो चार्जिंग जैक है इसकी पॉइंट भी जितनी भी पॉइंट है सारी पॉइंट टूटी है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसकी जो चार्जिंग सप्लाई की जो सारी पॉइंट टूटी है कहाँ से चार्जिंग आईसी तक जम्पर कैसे किया जाए, एक एक पॉइंट को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे बहुत आसान तरीके से आप अपनी ये 1200 मॉडल की प्रॉब्लम बहुत आसान तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। जो चार्जिंग जैक लगा है इसके जगह पे मैं दूसरा चार्जिंग जैक इंस्टॉल करूंगा जो सबसे ज्यादा यूजफुल चार्जिंग जैक होता है, हर एक मॉडल फोन में चार्जिंग जैक उसे यूज किया जाता है ताकि इसका चार्जर बहुत आसान तरीके से मिल जाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो अभी के लिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं आगे इसे कैसे सोल्व किया जाए इस प्रॉब्लम के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, ये 1200 सैमसंग जो 1200 मॉडल है ये चार्जिंग से रिलेटेड जितनी भी समस्या है सारी समस्या मैं आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूँ। कोई भी समस्या है, चार्जिंग आईसी खराब है या चार्जिंग जैक आप इंस्टॉल कर रहे हैं या जम्पर कर रहे हैं, सारी समस्या मैं इस वीडियो में सोल्व कर दूंगा आज। इसके लिए आपको हमारी पूरी फुल वीडियो को वॉच करना होगा, कहीं भी वीडियो आप कट मत करिएगा ताकि मैं डायग्राम के जरिए से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा ताकि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी आप इस समस्या को आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। फिर मल्टीमीटर ले लीजिए अगर आप इसी जैक को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं इसके अंदर दूसरा जैक इंस्टॉल करूँगा जो नोकिया का 105 मॉडल का चार्जिंग जैक है, वो चार्जिंग जैक मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। अगर आप इसके अंदर जो जैक लगा है इसी जैक को इंस्टॉल करना चाहते हैं या इसी जैक को आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम है या चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है, तो आप मल्टीमीटर ले लीजिए और मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर है ग्राउंड पे रख लीजिए प्लस वाले के वायर से। पर मल्टीमीटर को ध्यान रखना है कि आपको डीसी 20 पे सेट करके रखना है। इसे चेक करेंगे, पहला जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट छोड़ के दूसरे वाले पॉइंट पे चेक करना है। ये जो बड़ा वाला ये चार्जिंग जैक है फर्स्ट वाला पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पे रीडिंग हमें चेक करना है चार्जर इसके अंदर इंस्टॉल करके। मैंने तो इसका चार्जर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि ये चार्जिंग जैक जो है ये ख़राब है, इसलिए मैं आपको इंजिपल बता रहा हूँ कि आप चार्जर इंस्टॉल कर लीजिए फिर आप चेक करिए। मैं लास्ट में बताऊँगा दूसरे जैक में जो मैं चार्जिंग जैक नया इंस्टॉल करूँगा उसमें बताऊँगा। सबसे पहले आप इस तरीके से चार्जर इंस्टॉल कर लीजिए फिर मल्टीमीटर से चेक करिए। 7 से 6 से 7 पॉइंट तक रीडिंग मल्टीमीटर में आएगा। अब चार्ज बिल्कुल आप डायग्राम में आपने अभी देखा है डायग्राम के जो लाइन है इसी तरीके से आपको मल्टीमीटर से लाइन से चेक करना है। अभी मैं चार्जिंग जैक इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं फिर बताते हैं आगे कैसे आपको चेक करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे जम्पर करना है, सब कुछ मैं क्लियर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले ये आप जैक देख सकते हैं, ये जैक नॉर्मल जैक है जो हर एंड्रॉयड फ़ोन में हर कीपैड सेट में ज़्यादा खास करके यही चार्जिंग जैक सेट में आप पाएंगे, इसीलिए मैं ये चार्जिंग जैक को मैं इस सेट के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ कि वो जो चार्जिंग जैक ऑलरेडी पहले से कंपनी से लगा था उसका चार्जर मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं ये चार्जिंग जैक इंस्टॉल कर रहा हूँ कि ताकि हर जगह इसका चार्जर मिल जाता है और आसानी से मोबाइल भी हम चार्ज कर पाते हैं अपनी। ये जैक आप देख सकते हैं इसका जम्पर हमें कैसे करना है। राइट साइड का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये माइनस का है जो हमें ग्राउंड पे देना है, इसीलिए मैं चार्जिंग जैक के बॉडी में ही इसका जम्पर सोल्डिंग कर दूंगा मैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट वाला पॉइंट है ये प्लस का पॉइंट है, इसमें हमें एक जम्पर करना है। ये आप देख सकते हैं ये जम्पर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। बिल्कुल आप आसान तरीके से डायग्राम में देख के आप जम्पर कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप डायग्राम के जरिए से अपनी जम्पर कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। अब राइट साइड का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये माइनस का है जो हमें ग्राउंड पे दे रहा हूँ, सोल्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आप भी सोल्डिंग कर दीजिए।
ये जम्पर हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हमें इसके अंदर इंस्टॉल करना है चार्जिंग जैक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा जम्पर हमने यहाँ पे चार्जिंग जैक में ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके अंदर हम सोल्डिंग के मदद से ही इंस्टॉल करेंगे, इसके ब्लोअर से नहीं इंस्टॉल करेंगे, सोल्डिंग से भी काफ़ी मजबूत रहता है क्योंकि इसके अंदर सिस्टम ही कुछ ऐसा है, इसलिए सोल्डिंग से इंस्टॉल कर देंगे, बहुत आसान तरीके से लग जाएगा अपने जगह पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल सोल्डिंग के मदद से मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे, हल्का दोनों साइड में सोल्डिंग कर देंगे, ये साइड में भी सोल्डिंग कर देते हैं ताकि चार्जिंग जैक अच्छे से मजबूत हो जाए अपने जगह पे, ताकि कभी ये टूटे ना। हमने इसके सोल्डिंग कर दिया है, ये साइड में थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। अब अभी से निकाल देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना मजबूत है ये। अभी जो जम्पर है हमने, ये जम्पर हमने जो किया था प्लस वाला जम्पर है ये प्लस वाला जम्पर, दूसरा सिरा हमने पहला सिरा तो चार्जिंग जैक में कर दिया लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाले पॉइंट में, और दूसरा सिरा जम्पर या डायग्राम में आप देख सकते हैं चार्जिंग आईसी के बगल में जो छोटा सा कंपोनेंट लगा है ये रजिस्टर है, रजिस्टर पे नीचे वाले हिस्से पे कर देना है, यह चार्जिंग की जो समस्या हमारी 100% सोल्व हो जाएगी। फिर मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं, सबसे पहले चार्जिंग जैक जो हमने इसमें इंस्टॉल किया है इसमें चार्जर इंस्टॉल कर देते हैं, चार्जर इंस्टॉल करके ही चेक करेंगे। मल्टीमीटर ले लीजिए, मल्टीमीटर को DC 20 पे सेट कर लीजिए, DC 20 पे सेट करके फिर मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर है ग्राउंड पे रख दीजिए और रेड वाले वायर से हमें चेक करना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं डायग्राम में, अगर कोई और समस्या हो डायग्राम के जरिए से आप अपनी जम्पर कर लीजिए। मैं बैटरी के जैक पे चेक करता हूँ पहला सप्लाई, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, अगर आपकी ये काम नहीं कर रहा है तो आप ये डायग्राम से के जरिए से आप अपनी सप्लाई चेक करें, और कहीं अगर कोई सप्लाई मिस है तो उसे आप जम्पर कर दीजिए, आपकी समस्या जो है 100% सोल्व हो जाएगी। ये जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के साइड में जो कंपोनेंट लगा है कंपोनेंट पे चेक कर रहा हूँ, ये भी सप्लाई काम कर रहा है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक में भी आपके लिए वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपकी समस्या किसी 100% सोल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।